आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने दो बाइक्स प्रेजेंट है। पहली जो बाइक है वो है फ्रेंड्स होंडा की SP125 का बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल 2023 वाला वेरिएंट जो कि E20 अपडेट्स के साथ प्रेजेंट है। और दूसरी बाइक है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑल न्यू होंडा के लीवो का यहाँ पे सबसे लेटेस्ट मॉडल फाइनली ये भी फ्रेंड्स E20 अपडेट्स के साथ आ चुकी है। तो दोनों बाइक्स को हम कंपेयर करने वाले हैं, दोनों के आपको ऑन रोड प्राइसिंग बताएंगे, क्या कुछ यहाँ पे फीचर्स आपको मिल रहा है, कौन सी बाइक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि कोई भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स आपके मिस ना हो जाए। ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्रेंड्स और ये होंडा गिरिडीह में, तो अगर आप गिरिडीह एरिया से बिलोंग करते हैं तो बाइक का जो स्टॉक्स है वो आपको मिल जाएगा, शोरूम पर विजिट कर लें। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे दोनों के प्राइसिंग के बारे में। तो SP125 का फ्रेंड्स जो अभी ऑन रोड प्राइस है ड्रम ब्रेक वाले मॉडल का वो जा रहा है 1,02,500 रुपीज़ के अप्रॉक्स में, 1,02,500 रुपये के अप्रॉक्स में ये मॉडल आपको मिलेगी। और लीवो फ्रेंड्स यहाँ पे ड्रम ब्रेक वाले मॉडल में ऑन रोड जा रही है 95,400 के अप्रॉक्स में। तो दोनों मॉडल्स में अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये के अप्रॉक्स का आपको मिलेगा, कोई ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस है नहीं। बट अगर आप फ्रेंड्स फीचर्स में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको दिख जाएगा कि आपको SP125 में LED लाइट्स मिलता है, जो कि यहाँ पे आपको मिलता है फ्रेंड्स हाई बीम लो बीम के साथ में, LED की बैजिंग, होंडा का लोगो। और फ्रेंड्स इसका जो फ्रंट का वाइजर है वो आपको ज़्यादा ब्रॉड और टॉल देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप लीवो में देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी आपको हैलोजन बल्ब में लाइट प्रोवाइड करती है, इंडिकेटर्स भी आपको बल्ब में मिलता है और यहाँ पे ग्राफिक्स वर्क आपको दिखेगा। तो ओवरऑल में अगर आप डिफरेंसेस देखते हैं तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा फ्रेंड्स दोनों मॉडल्स में। SP की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाती है। और अगर आप टायर प्रोफाइल देखते हैं तो इसमें फ्रेंड्स आपको कंपनी यहाँ पे मैक्सेस के टायर्स प्रोवाइड कर रही है और ये 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स पर माउंट है। यहाँ पे प्रीमियम डिज़ाइन में आपको अलॉय व्हील्स मिलता है, यहाँ पे थोड़ा सिंपल सा डिज़ाइन है। बाकी अगर आप दोनों में देखते हैं तो फ्रंट में आपको 80/100 का यहाँ पर टायर मिलता है। दोनों ही बाइक्स आती है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ, यहाँ पे होंडा की बैजिंग, लीवो का लोगो। और ये आता है फ्रेंड्स 4 स्पीड गियरबॉक्स सेटअप के साथ, ये आ जाती है 5 स्पीड गियरबॉक्स सेटअप के साथ। इसमें आपको 125 cc का इंजन मिलता है, ये आता है फ्रेंड्स यहाँ पे 110 cc के इंजन के साथ में। और सीट्स को अगर आप देखते हैं तो दोनों का लेंथ जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर सिमिलर आपको मिल जाता है। बाकी फ्रेंड्स इसमें अगर आप देखते हैं तो कवर चेन सिस्टम आपको मिल जाता है, इसमें भी आपको कंपनी सेम यहाँ पर प्रोवाइड करती है। और अगर आप फ्रेंड साइड से डिज़ाइन वाइज देखते हैं तो कुछ ऐसा डिफरेंस मिलता है, बैक से आपको हम डिफरेंसेस दिखा रहे हैं। दोनों में टेल लाइट्स जो है वो बल्ब में आपको मिलता है। अगर हम बैक लुक की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सिमिलर है, कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। बट फ्रेंड्स रेयर के टायर्स में डिफरेंस है, इसका जो रेयर का टायर है वो आपको मिलता है 80/100 का, 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स पर ये माउंट है। और SP का जो रेयर का टायर है वो फ्रेंड्स आपको मिलता है यहाँ पे 100 सेक्शन का, 100/80 का। तो ये यहाँ पे आपको वाइडर टायर्स कंपनी प्रोवाइड कर रही है, उसमें फ्रेंड्स आपको कंपनी सेम टायर्स प्रोवाइड कर रही है फ्रंट एंड रियर में। दोनों ही बाइक्स में आपको यहाँ पे किक मिल जाता है। और अगर हम डिस्प्ले में बात करते हैं डिफरेंसेस की, तो इसमें आपको मिलता है यहाँ पे डिजिटल में डिस्प्ले और इसमें आपको मिलता है एनालॉग प्लस डिजिटल में डिस्प्ले। तो आप यहाँ पर डिस्प्ले के डिफरेंस का आइडिया जो है वो लगा पा रहे होंगे। इसमें भी फ्रेंड्स आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट, इंजन किल स्विच एक साथ में मिल जाता है, यहाँ पर आपको पास भी मिलता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम इसी में कंपनी दे रही है, यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स और हॉर्न मिलता है। बाकी अगर आप इसमें देखते हैं तो यहाँ पे आपको फिर हाई बीम लो बीम मिल जाता है, बट यहाँ पे आपको पास नहीं मिलता है और यहाँ पे कंपनी हॉर्न और इंडिकेटर्स आपको दे रही है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे सेटअप है। बाकी यहाँ पे टैंक जो है वो अगर आप देखते हैं तो लीवो का यहाँ पे थोड़ा सा छोटा लगेगा SP125 के कंपेरिजन में। और ओवरऑल में अगर आप लुक वाइज भी देखते हैं तो SP यहाँ पर ज़्यादा मस्कुलर आपको लगने वाली है लीवो के कंपेरिजन में। बाकी ऑलमोस्ट दोनों का यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप डिज़ाइन देखते हैं तो सिमिलर ही है, कोई यहाँ पर मेजर में डिजाइन में डिफरेंस नहीं है। बट इंजन और पावर का डिफरेंस है, इसमें आपको 125 cc का इंजन मिल रहा है। और फ्रेंड्स माइलेज की बात करते हैं तो दोनों बाइक्स में फ्रेंड्स आपको माइलेज मिलता है यहाँ पे लीवो का मिलेगा लगभग में यहाँ पे 60 to 65 के अप्रॉक्स में, और SP का भी सिमिलर में ही है, कोई ज़्यादा माइलेज में यहाँ पे डिफरेंस है नहीं। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे SP125 थोड़ा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपको LED लाइट्स मिल जा रहा है, डिजिटल डिस्प्ले कंपनी प्रोवाइड कर रही है और पावरफुल इंजन भी मिलता है, साथ के साथ वाइडर टायर्स भी कंपनी प्रोवाइड कर देती है। बाकी आप अपने जो भी राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से यहाँ पे बेस्ट बाइक कौन सी है। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।